हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने दाल मखनी बनाई है सुबह। तो अभी दोपहर का समय हो रहा है और दोपहर के बजे हुए हैं 1, और अब मैं बना रही हूँ नान। ठीक है, और ये जो नान है ये बना रही हूँ मैं गेहूँ के आटे से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा ले लिया है, ठीक है, और ये मैंने अंदाजे से लिया है, कोई माप तोल करके नहीं लिया, अपने मतलब कि 4 लोगों के अकॉर्डिंग लिया है। मैंने 1 चम्मच चीनी और आधी चम्मच नमक लिया है, और 1 चम्मच लिया है मैंने एक चम्मच लिया है मैंने बेकिंग पाउडर, और यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ा सा देसी घी, यहाँ पे लिया है मैंने थोड़ी सी दही, यानी दो बड़ी चम्मच दही ली है, और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने ली है सूजी अपने जो नान है उनको थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 ग्लास के करीब दूध, थोड़ा सा गुनगुना दूध है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, एक छोटी बिल्कुल छोटी सी चम्मच मतलब कि 1-2 चुटकी के करीब मैंने लिया है ये बेकिंग सोडा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब गूंदना शुरू करते हैं हम आटा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दूध में डाल रही हूँ चीनी, क्योंकि चीनी को घुलने में टाइम लगता है, तो दूध में हम चीनी मिला देंगे। इसको हम रख देते हैं अलग, और अब हम आटे में सबसे पहले डाल रहे हैं सूजी, ठीक है, और उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये बेकिंग पाउडर, उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये नमक। तो हमने सारी ड्राई चीज़ें जो हैं हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथ से, ठीक है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये अपना दही, और उसके बाद डाल रही हूँ मैं ये अपना देसी घी, और अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर ये दूध, ठीक है, और ये गुनगुना दूध लेना है थोड़ा सा, जिससे कि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए और आटा भी जो मतलब फर्मेंट हो जाएगा अच्छे से इससे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे, आटा गूंदते जाएंगे। तो जी देखिए दोस्तों, मेरे को ध्यान नहीं रहा था और ये हमारा बेकिंग सोडा रह गया था, तो मैं अब डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा भी डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने डाल दिया बेकिंग सोडा, लेकिन ये शुरू में ही डाल देना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आटा गूंदा नहीं है तो मैंने इसलिए अब डाल दिया ये। तो देखिए दोस्तों, आटा गूंद चुका है हमारा, तो अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ एक बाउल में, और यहाँ पे रख दिया है। और इसको थोड़ा सा ना या तो घी से चिकना कर लो, या फिर किसी भी ऑयल से इसको चिकना करके हमें 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट पर रखना है, ठीक है, और उसके बाद हम इसके नान बनाना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। तो जी फ्रेंड्स, देखिए मैंने रायता तैयार कर लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया बूंदी और डाला है नमक, बस केवल इतना ही डाला है। और अब हम इसमें लगाएंगे छौंक। तो जी, रायते में छौंक लगाने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने मिट्टी का एक दिया, और इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल, और इसको अब हम रखेंगे यहाँ पर गैस पर गर्म होने के लिए। तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, तो अब जब तक ये जीरा भुन रहा है इसको भुनने देंगे, और उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। जीरा जो है वो हमारा भुन गया, और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग। तो जी, इसके अंदर डाल रहे हैं हम ये थोड़ी सी लाल मिर्च, और लाल मिर्च डालने के बाद हम इस दिए को उठा लेंगे। यहाँ से उठाना बड़ा मुश्किल है, तो मैं सोचूँ इस कपड़े से उठा लूँ मैं इसको दिए को, रुक जा। तो जी, इस कपड़े से उठा लेंगे, और ये देखिए इसको हमें इसमें डाल देना है, ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हम इसको ढक देंगे फटाफट से, जैसे ही हम इसको इसके अंदर डालेंगे और इसको ढक देंगे, ठीक है, तो इसके अंदर एक अलग सा ही फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो रायता है ये बनके तैयार है, और जो ये अपना दिया है इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये अब इसमें डाल रही हूँ ऊपर से मैं थोड़ा सा धनिया, और देखिए हमारा रायता जो है वो तैयार हो गया है बढ़िया बनके। तो जी फ्रेंड्स, देखिए 1 घंटा हो चुका है, और आटा देखिए हमारा आटा हो चुका है, ठीक है ना। 1 घंटे बाद में अपने आटे से अब नान बनाने शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम लेंगे एक गोला मतलब लोई लेंगे, और यहाँ पे ले लिया है मैंने थोड़ा सा पानी, और इसके अंदर ना मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, और यहाँ पे ले लिया हमने एक बड़ी सी लोई, और अब अपने नान बनाने स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा ये लगाएंगे हम सूखा आटा,
और दोस्तों मैंने क्योंकि मैदा का इस्तेमाल नहीं करा है तो ये नुकसान भी नहीं देंगे और खाने में भी स्वाद लगेंगे। तो हमने आपने देखा ही था जब मैंने आटा गूंदा था तो मैदा का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा है मैंने। और इस पे हम लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे पानी और ऊपर से डालेंगे हम ये कलौंजी। और थोड़ा सा मैं ये धनिया पत्ती डाल रही हूँ इस पे। तो थोड़ा सा पानी और लगा रहे हैं हम इस पे जिससे कि अच्छे से चिपक जाए। देखिए दोस्तों इस पे भी मैं कलौंजी लगा रही हूँ ऊपर से और यहाँ पे भी मैं धनिया लगा दूँगी। क्योंकि दोस्तों मेरे पास ये नॉन स्टिक तवा है, मेरे पास लोहे का तवा नहीं है तो मैं नॉन स्टिक पे ही बना रही हूँ। अब देखते हैं इस पे चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ठीक है, और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं कसूरी मेथी, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। हम आपके लगाएंगे थोड़ा सा घी और आप बटर भी लगा सकते हो। तो ये रहा बटर भी है मेरे पास में, थोड़ा सा इसके ऊपर बटर स्प्रेड करेंगे, थोड़ा सा बटर लगाएंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर बटर लगा दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसको इस तरीके से नीचे करके अब हम इसको सेकेंगे। चाहो तो इसे जलाइए से फूंक के रहेंगे आज। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा कह रहा है फूंक के रहेंगे आज, मैं बढ़िया ही बनाऊंगी, चिंता ना करो। पहले भी दोस्तों मैंने बना के खिलाया, उस समय मेरे पास लोहे का तवा था लेकिन वो तवा मेरा ख़राब हो गया। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा देखिए कलर आया है हमारे नान का, कितना सुंदर लग रहा है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा और सेक लेते हैं यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नान तैयार है बन के, अब मैं निकाल के आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा नान बन के तैयार है और अब हम इस पर बटर लगा लेते हैं तो और भी स्वादिष्ट लगेगा बटर लगाने के बाद में। तो इस पर रखते हैं बटर और अभी एक नान और बना लेती हूँ, फिर मैं जो अपनी प्लेट है वो तैयार कर दूँगी खाने की। तो जी फ्रेंड्स दूसरा भी हम नान तैयार कर लेते हैं। तो बड़ी सी लोई ले ली है मैंने और इसको भी बेल लेते हैं अच्छे से। और बहुत ही हेल्दी होते हैं आटे के नान, मैदा नुकसान ही देती है, तो इसलिए आटे के नान बनाओ और खाओ, खिलाओ अपने परिवार को, पति को, बच्चों को, पेरेंट्स को, आंटी को, अंकल को, भाई को, बहन को, जिसको खिलाना है उसको खिलाओ। तो यहाँ पे लेंगे एक चम्मच के करीब पानी, पानी को अच्छे से इस पर फैला देंगे और फिर हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें कलौंजी, बहुत ही सुंदर लगती है लगी हुई, साथ में धनिया पे चिपका देंगे अच्छे से धनिए को। अब मैं दोस्तों मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी, कसूरी मेथी का भी एक अलग ही स्वाद आता है, बहुत स्वाद लगती है। और इसको हम डाल देंगे अपने तवे पे। तो जी फ्रेंड्स देखिए हमारा दूसरा नान भी तैयार हो चुका है, बन चुका है। और ये देखिए इसमें लगा दिया मैंने मक्खन और देखिए बहुत ही स्वादिष्ट नान बना है, एकदम बढ़िया। देखिए तो देखिए फ्रेंड्स हमारे जो नान हैं वो बनके तैयार हैं, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी हैं क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं, मैदा से बिल्कुल, मैदा का यूज़ मैंने बिल्कुल नहीं किया है, गेहूं और थोड़ी सी सूजी का यूज़ किया आपने देखा था। तो यहाँ पर देखिए हमारी थाली तैयार हो गई है और ये है हमारी आज की लंच की थाली। इसमें है नान, दाल मखनी, रायता, सैलड में प्याज है और साथ में नींबू। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं आज का अपना लंच। ले आई, ये लो आज का स्पेशल लंच आपके लिए। हाँ तो जी फ्रेंड्स सबको खाना खिलाने के बाद अब मैं यहाँ पर अपना खाना खा रही हूँ। तो जी बहुत ही टेस्टी बने हैं नान और दाल मखनी भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। तो दोनों की रेसिपी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी दोस्तों दोपहर का लंच करने के बाद हम गए थे सो और बहुत अच्छी नींद आई, थोड़ी देर सो गए थे और अब शाम का समय हो रहा है। मैं इसके सर की कर रही हूँ मालिश, बालों की मालिश करूँगी, तेल मालिश,
काफ़ी दिन से कह रहा था ये, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज इसकी मालिश कर रही हूँ। तो हो सकता है आज दोनों भाई मालिश करवाएं। करवाएगा तू मालिश इनू? नहीं, उसको नहीं करवानी मालिश, इसकी मालिश कर देती हूँ। अपने बालों में ज़रूर मालिश करनी चाहिए हफ्ते में एक बार, सैटरडे के दिन। सैटरडे को कर लो, जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कर लो। बालों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पोषण की। और ये तो बहुत ही कम तेल डालता है अपने सर में, बहुत कम तेल लगाता है, इतना आलसी है तेल लगाने का, इतना आलस है इसको, भूल जाएगा तेल लगाने ही। इसने कहा मम्मी आज मेरी मालिश ज़रूर कर देना। मैंने कहा ठीक है कर दूँगी, परसों कहा था, परसों मैं भूल गई थी कि रात को मेरी मालिश कर देना। और हमेशा वैसे तो शाम के समय ही मालिश करनी चाहिए, लेकिन सिर धोने के बाद, हमेशा शैम्पू करने के बाद सर में तेल लगाना चाहिए, जिससे कि बालों में कोई डस्ट वगैरह ना हो। और सारी रात जो है फिर ऑयल काम करता है बालों में, और नेक्स्ट डे शैम्पू से धो दो, बाल बहुत अच्छे और सॉफ्ट हो जाते हैं। और सर्दियों में तो थोड़ा सा गुनगुना कर लो ना तेल को, लेकिन डायरेक्ट हीट पे नहीं, गैस पे नहीं, डायरेक्ट गर्म पानी करके उसमें रख दो। खींच रहे हैं, आराम आराम से, बहुत दिनों बाद करवाई है ना तुमने, इसलिए तेरे को लग रहा। मैं चंपी करूँ जम के बंद अकल खुल खुल जाए, मैं चंपी करूँ जम के तो जी दोस्तों, अब आ गई हूँ मैं रसोई में। शाम के बजे हुए हैं 6, और देखिए कितना ढेर लगा हुआ है बर्तनों का, क्योंकि दोपहर को रसोई साफ करने के बाद में बर्तन मैंने सिंक में भर दिए थे। मैंने कहा शाम को धोऊंगी आराम से, और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, रेस्ट ले लिया था, क्योंकि दो एक बजे के करीब तो आटा गूंदा था, और दो बजे से जो वो थे नान बनाने स्टार्ट किए थे, और फिर सबको खिलाया, तो उसमें ही बज गए थे 3:30, और 3:30 मतलब 3:30 बज गए थे। मैंने खाया, फिर बड़े बेटे ने खाया, वो कॉलेज से आया था उसने खाया, और उसके बाद फिर थोड़ी देर फ़ोन देखा, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और सोने के बाद उठ तो गई थी जल्दी ही, मतलब 5 बजे के करीब ही। उसके बाद मैं वॉक करने गई छत पे वॉक करी आधा घंटा, और फिर आने के बाद बेटे की मालिश करी। और अभी देखिए, अब रसोई में आई हूँ, बर्तन धोऊंगी, बर्तनों से सिंक भरा हुआ है बिल्कुल। तो जी फ्रेंड्स, अगर आपको आज मेरी ये नान की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को, और थाली की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।